और यूकेलिप्टस के नेचुरल एक्सट्रैक्ट का फॉर्मूला आपको दे पूरे 12 घंटों तक ताजा सांसें और आत्मविश्वास। क्लोज अप। अरे भरोसा रखिए, ये साफ हो जाएगा। कोई बात नहीं, मेरे पास। जब आप पे कोई भरोसा करता है तो उनका भरोसा आपकी जिम्मेदारी बन जाती है, तभी तो करोड़ों परिवारों को फर्क साफ दिखता है। हाँ तो आप क्या कह रही थी मोहतरमा? यही कि सर मेरे पास भी घड़ी है। क्या? हम सब ने मिलकर बनाया है घड़ी को। भारत का नंबर 1 डिटर्जेंट पाउडर। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। आपके बाल सबसे घने कब थे? जब मेरी नानी मेरे बालों का ख्याल रखती थी तब बाल कम टूटते थे। टूटते बाल हैं डैमेज। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो अभी ये मैं सर्फ का कपड़ा ले रही थी जो जाली पर लगा रही थी और नीचे खेल रहा था कायरव, तो अब वो गुडलियों चलने लगा है। तो मैंने उसके आगे 2-3 सामान डाल कर रखे थे। आप लोग बोल रहे थे कि उसे नीचे बैठाया करो, तो बैठाती तो हूँ मैं उसे नीचे, पर कभी कभार गोद में लेकर काम करना पड़ता है जब ज़्यादा रोने लगता है। तो वो अभी यहाँ खेल रहा था और मैं जाली साफ कर रही थी, तो इस पर आगे बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था, मतलब जो चीज़ें निकालते हैं हाथ लगते हैं चिप्पे चिप्पे से हो रहे थे। इसे साफ़ कर दिया है मैंने, अभी फ्रिज भी साफ़ कर दिया है, दोनों चीज़ों पर अच्छे से सर्फ का कपड़ा लगा दिया है और अवनी भी यहीं लगी हुई थी। उसके बाद आ गई हूँ मैं दूसरे वाले रूम में और अभी मैं कर रही हूँ ड्रेसिंग साफ। तो पर उससे पहले मैं नहा तो ली थी और दोपहर में और बाल भी फाड़ लिए थे, पर अभी मैं उधर लेटी हुई थी तो सारे बाल ख़राब हो रहे थे, तो मैं अभी इन बालों को एक बार फाड़ लेती हूँ और उसके बाद लगा लूँगी मैं थोड़ी सी लिपस्टिक और फिर मुझे ड्रेसिंग साफ़ करना है। तो देखिए बाल मेरे, जब से मैंने वो तेल डालना शुरू किया है उतरने बंद हो गए हैं। शैम्पू तो मेरा ख़त्म हो चुका है, पर तेल लगा लेती हूँ मैं रोज़ तो नहीं, हफ्ते में मेरे पे तो हफ्ते में एक बार ही लगाया जाता है, बहुत कम टाइम मिलता है, रोज़ लगाने का टाइम नहीं है। तो बस थोड़ी सी लिपस्टिक और लगानी है, बिंदी मैंने पहले से लगा कर रखी हुई है। और अभी मुझे इस रूम में करनी है सफाई, तो मैंने सोचा कि चलो पहले थोड़ी सी लिपस्टिक लगा लेते हैं और बिंदी लगी रही है। बालों में मैंने इयररिंग्स भी नहीं डाले आज, जब भी पहनती हूँ कायरव खींच देता है और कुछ आज मेरा मन नहीं था। कभी कभार होता है किसी चीज़ को मन नहीं करता है, आज मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि मैं इयररिंग्स वगैरह डालूं। और बाल भी फाड़ लिए हैं, पीछे खड़ी हुई थी मेरी भांजी, वो मुझसे बात कर रही थी तो मैं उसे देखकर ही मुस्कुरा रही थी। और नीचे बैठा हुआ था इधर ही कायरू को फिर से बैठा लिया था मैंने। आप लोग बोलते रहते हो कि कायरू को बैठा लिया करो अपने पास ही नीचे जहाँ आप काम करो, तो अभी यहीं बैठा कर कर रही थी मैं। तो यहाँ पर देखिए ये कायरू के कपड़ों की जो पलियाँ हैं वो निकाली थी मैंने, उसमें कुछ अवनी के भी थे। जब अवनी निकालती है कायरू वालों में अपने रख देती है और कायरू के भी लट पुलट कर देती है, तो अभी मैं एक एक करके इनके सारे जो कपड़े हैं वो लगा दूँगी कायरव के इस पलिया में और अवनी के अलग वहीं, मतलब उसमें नीचे की साइड सेप में लगा दूँ। और यहीं पड़ी हुई थी चूड़ी और यहीं खेल रहा है कायरू बेड पर, अब जब बेड पर बैठ चुका है वो। उसके पास बैठ गई थी उसकी बहन मौसी की लड़की और अवनी, वे दोनों उसे खिला रही थी और मैं जो शीशा है इसे साफ़ कर रही थी। इस पर भी मैं सर्फ का ही कपड़ा लगाया है हल्का सा गीला करके, तो देखिए इसमें धूल बैठ जाती है तो इसे साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। 2-4 सामान ही बस खास खास ये रह गए हैं, बाकी सब यहाँ कच्चा होने की वजह से सोफ़े भी सारे ख़राब हो गए हैं। ये कुछ लोग बोलेंगे कि इधर से उधर करने में नहीं, देखे कच्चा है उनमें धूल पड़ती है और बहुत ज़्यादा गंदे हो गए और फट भी गए हैं। अभी उसके बाद यहाँ मैं बेड पर बिछा रही थी चादर और ऊपर चढ़ी हुई थी अवनी, तो मैं उसे बोल रही थी बेटा या तो नीचे की साइड आ जाओ या फिर ऊपर से चादर दाब दो। और यहाँ नेहा ले रही थी कायरव को, तो मैं ये चादर जो है उल्टी कर बिछाई है तो इधर लेटते नहीं है, तो ये ना इतनी गंदी होती है, गर्मी लगती है हल्की मोटी, सर्दी भी लगती है रात में, फिर तो इस वजह से परले वाले रूम में लेटते हैं। और अभी बेड पर भी लगा दिया है मैंने हल्का हल्का सा गीला कपड़ा, सर्फ का ही कपड़ा लगाया था इन सारी चीज़ों पर। और उसके बाद यहाँ रखी हुई है रही, ये मुझे उठा कर रखनी है। और बेड के जो
चारों साइड है वो अच्छे से मैंने साफ़ कर दिया, अनबर भी लगा दिया, सर्फ का कपड़ा रही उठा कर रख दिया है, और मैंने दूध भी लगाया था, रोज़ ही मैं दूध बिलौती हूँ, जमा देती हूँ बचा हुआ दूध। तो अभी उसके बाद आ गई थी मैं यहाँ उस वाले में, और ये कुछ गुस्से थे जो उतारे थे जिन्हें अभी यहाँ लगाना था खूब में इस साइड। तो देखिए बारिश का मौसम बना रहता है, कभी भी बारिश हो जाती है, गुस्सों की ज़रूरत पड़ती है। तो भाई चलो खाना ही गैस पर बना लेते हैं, पानी वगैरह बाजी फेरी पशुओं के लिए, या फिर अभी दूध नहीं पका रहे हैं, आगे आगे बरसात में चाहते हैं गुस्से। तो ऐसी चीज़ें देखिए तो ना चाहने वाली चीज़ नहीं है, चाहने वाली चीज़ है। तो कड़ी वगैरह बना लेते हैं, जब चावल बनाते हैं तो चूल्हे पर ही बना लेते हैं, कभी कभार गैस पर भी बना लेते हैं। तो अभी यहाँ पर मैंने यहाँ फूट में लगा दूँगी, यहीं दो तीन लकड़ी खड़ी हुई है, और इधर पूरी डाल दिया है हमने इस साइड, और यहीं खाद के कट्टे रखे हैं, और कुर्सी पर ये कट्टे बोरी रख रखे हैं, यहीं खड़ा था कल्टीवेटर। उसके बाद आ गई हूँ इधर मैं पशु वाले में, तो यहाँ पर ऊपर भूचाले लग रहे थे तो वो निकाल रही थी मैं, ज़्यादा बारीक की मैं नहीं निकाल रही थी, मोटे मोटे से ही निकाल रही थी, क्योंकि कायरा मेरी गोद में था, अगर मैं बारीकी में निकालती तो शायद उसकी आँख में धूल मिट्टी वगैरह चली जाती, और मुझे भी डर लग रहा था, मैं उसे लेकर निकाल तो रही थी, बहुत गंदे लग रहे थे। कई दिन से सोच रही थी कि मैं निकाल दूँ, पर मेरा टाइम नहीं लग रहा था। अब जैसे ही टाइम लगा मैंने सोचा कि चलो ज़्यादा नहीं निकलेंगे तो थोड़े बहुत तो निकल ही जाएंगे, अच्छे से साफ कर देती हूँ मैं, और दीवारों में भी लग रहे थे वे भी निकाल रही थी मैं। अभी उसके बाद यहाँ पर ये कूड़ा पड़ा हुआ था जो मतलब इकट्ठा कर देते हैं बरामदे में से, झाड़ू निकाल कर यहाँ इकट्ठा कर लेती हूँ मैं, कभी कभार गैलरी में झाड़ू लगा कर पड़े की साइड भी इकट्ठा कर लेती हूँ। तो अभी गैलरी में भी झाड़ू लगानी है मुझे, तो उससे पहले जो कूड़ा हो जाता है वो मैं उठा दूँ। तो जो कूड़ा उठाने का है वो मैंने लिया था, वो मेरा टूट गया, तो फिर अब मैं तसले में हाथ से ही उठा कर डाल देती हूँ। और ये जो है हमारा जिद्दी भूत, ये नहीं बैठा, अब नहीं से लेकर बैठी हुई भी थी, वैसे तो जिद चढ़ी हुई थी, मेरे साथ साथ ही रहना था। तो ऐसा नहीं है मैं उसे धरती में नहीं बैठाती हूँ, बैठाती हूँ, पर जब उसे जिद हो जाती है फिर नहीं रहता है। और इधर सामने की साइड ताऊ जी लगे हुए थे खोल पर, तो मैं यहाँ कूड़ा भर रही थी फिर। और देखिए रास्ता चल रहा है, काफ़ी सारे लोग आ जा रहे हैं, तो बस अब ये कूड़ा मैंने भर दिया, ऐसे डाल दूँगी मैं कूड़ी पर, और ऊपर ऊपर से भर दिया, जो नीचे की मिट्टी है वो भी गैलरी में झाड़ू लगाऊँगी उसमें सकेर दूँगी। तो मिट्टी का तो यहाँ ऐसा है सारे में कच्चा है, सारे दिन बरामदे में मिट्टी जाती रहती है, चाहे कितनी ही झाड़ू लगा लो मिनट मिनट में मिट्टी रहती है, रेतली मिट्टी है, पक्का रेत नहीं है, या पक्की मिट्टी नहीं है कि भाई नहीं जाएगी। फिर तो जैसे भी कोई आता है इधर चौकी वगैरह बजाते हैं, पानी का कुछ काम करते हैं, तो सारे पाँव मिट्टी में, मिट्टी पाँव में लिपट जाती है, गीले होते सारे बरामदे में पहुँच जाती है। तो कम से कम दो तीन बार तो झाड़ू कहीं नहीं गई। तो उसके बाद अभी मैं गैलरी में लगा रही थी झाड़ू, तो जो कूड़ा उठाना था वो मैंने उठा दिया है, और कुछ और कूड़ा था और कुछ मिट्टी थी जो यहाँ जम रही थी, बारिश की वजह में कूड़ा नहीं उठा पाई थी, तो वो मिट्टी सी भी और ये बाकी का कूड़ा भी सब मैं सकेर कर एक साइड कर बाद में उठा दूँगी। तो अभी मेहर कायरव आए थे इन्हें पानी देने के लिए, तो अभी और पानी दे देंगे लाकर। कायरी मेरे साथ साथ ही है पानी दिलाने के लिए आया था, और अवन जो है वो सो रहा है, अवन बोले तो अवनी,
ओवन भी बोल देती हूँ। आड़ू काफ़ी मोटे मोटे होने लगे हैं, अभी नहीं दिखाती हूँ आपको, दो चार दिन के बाद दिखाऊंगी, थोड़े और मोटे हो जाएंगे फिर हम खाने भी शुरू कर देंगे। तो पहले आप लोग खा लीजिए अगर। तो आड़ू इतना अच्छा फल है, इससे पेट भी साफ होता है और फ़ायदेमंद होता है बहुत। तो चलिए अभी यहाँ बैठ कर बात करते रहेंगे तो काम कब करेंगे। तो अमरूद पर छोटी छोटी कलियाँ आ रही हैं, वो टूट टूट कर गिर रही है, लग रहा है कोई रोग आ गया है। अभी दिखा देते हैं आप लोगों को। तो ये इतना छोटा सा अमरूद आया था, देखिए इतने छोटे छोटे से अमरूद आ रहे हैं और टूट रहे हैं, तन क्या रोग आ रहा है। नहीं बेटे गंदा। चलिए तो देखिए जो मैंने बाजरा बो रखा था ये इतना बड़ा बड़ा हो गया है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। मैं जैसे जैसे बढ़ता जाएगा आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। अभी उसके बाद देखें यहाँ पर जो है ये मैं पत्ते हटा रही थी पहले, और यहीं से मैं मिट्टी भरूँगी थोड़ी सी, करीबन दो तसले मिट्टी भर कर ले जाऊँगी, क्योंकि जहाँ पर अंदर गायें बनती है वहाँ गड्ढा हो रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी मिट्टी डाल देती हूँ वहाँ, तो खेत से तो नहीं लाई गई अभी मिट्टी, तो फिलहाल घर से ही डाल देती हूँ, क्योंकि उसे बैठने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, फिर मान लें ऊपर नीचे में पाँ आ जाए, चोट वगैरह लग जाए, तो एक सार नहीं हो रही है वो जगह, बहुत ज़्यादा फ़र्क हो रहा है ऊँचे नीचे का। तो अभी बस यहाँ से ही भर ली मैंने, मेरी ये पत्ते हटाकर फावले की सहायता से। सॉरी जो लाल वाली गाय है यहाँ मानते हैं, तो इसके यहाँ गड्ढे हो रहे थे जहाँ ये बेचारी पाँ टेक कर खड़ी नहीं हो पा रही थी, गड्ढा हो रहा था, ऊंचा नीचा हो रहा था, तो उसे खड़े होने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। मुझे लग रहा था कहीं पाँव पाँव में चोट वोट ना लग जाए, तो थोड़ी सी मिट्टी डाली है, थकावट हो गई है, थक गई हूँ, दो तसले मिट्टी डाली है जिससे वो आराम से खड़ी हो सकती है। तो अभी आप लोगों को एक चीज़ और दिखा देती हूँ, आप लोग बोलते हो सब्जी उगाया करो। देखिए टमाटर का पेड़ है और इस पर ये छोटे 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 टमाटर आने शुरू हो गए हैं। तो देखिए थोड़ी थोड़ी चीज़ें सब बोने लगे हैं, बोई है हमने, तोरी वगैरह के बेल भी बो रखी है, अभी आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो अभी हुआ तो इतना ज़्यादा कुछ है नहीं, पर तोरी वगैरह भी बोई है, ये देखिए तोरी की बेल बो रखी है, तो अभी टाइम लगेगा शायद हो जाए। तो चलिए अभी कुछ और काम कर लेते हैं। हाँ बेटे अभी उसके बाद यहाँ पर कुछ जाले लगे हुए थे जंगले पर और गेट के बाहर, मैंने इन्हें अच्छे से झाड़ लिया और जाले निकाल दिए हैं। तो इस पर भी मैं बहुत हल्का सा गीला कपड़ा लगा रही थी, बहुत ज़्यादा धूल बैठ जाती है, सूखे कपड़े से साफ़ करो तो भी नहीं निकलती है, तो मैंने सोचा कि चलो हल्का हल्का सा गीला कपड़ा लगा देते हैं इस पर भी, तो ये भी अच्छे से साफ़ हो जाएगा। तो जो यहाँ जाले लग रहे थे वो मैंने निकाले हैं, लग जाते हैं देखिए अक्सर इस तरह का मकान है, लिसाई पुताई नहीं है, तो जाले तो आए दिन लगते रहते हैं। मुझे वीडियो का यहीं पर एंड कर देती हूँ और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और मुझे कमेंट। तो एक कमेंट आ रहा था मुझे, शायद उनका नाम आईडी नाम पता है मुझे, प्रकाश कुमार, हेलो जी। तो कुछ लोग और हैं उनके नाम लेने हैं मुझे, पर आज नहीं लूँगी, आज मैं कुछ बात करना चाहती हूँ आप लोगों से। तो कुछ लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं कि भाभी तो बहुत बड़ी घमंडी है, नंद उससे ज़्यादा बड़ी घमंडी, तो आप मुझे ये बताइए हमने किस चीज़ में घमंड किया है, क्या किस चीज़ का घमंड है, क्या करा है ऐसा जो आप लोग घमंडी बोल रहे हो, आप लोग नहीं कुछ हैं ऐसे जो बोल रहे हैं।
एक दो लोग हैं ऐसे, तो मैं सिर्फ उनकी बात पर जवाब देना चाहती हूँ। घमंडी वो होता है जिसने किसी चीज़ का गुरूर किया हो। मैंने किस चीज़ का गुरूर किया है? कभी कपड़े को लेकर, या अपनी फैसिलिटी को लेकर, या फिर बच्चों को लेकर, घर को लेकर, किसी चीज़ का घमंड आप लोगों के सामने आज तक जाहिर हुआ है? या इतनी बड़ी फैमिली से मैं एक सवाल करना चाहती हूँ, आप लोगों ने कभी मेरे में किसी टाइप का घमंड देखा है? मैं घमंडी नहीं हूँ। अगर किसी के पास दो पैसे आ जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि वो घमंड करने लगा है। और जो भी कोई कुछ करता है अपनी फैमिली, अपने घर, अपने बच्चों के लिए करता है, कुछ सोच कर ही करता है। तो आपको कोई हक नहीं है, मुझे तो बोलते हो, बोलते हो मेरी भाभी को भी बोलते हो कि घमंडी, भाई उन्होंने किस चीज़ का घमंड किया है, क्या घमंड कर रही है वो, आप लोगों से अच्छे से बात नहीं करती है, क्या नहीं करती है। मैं तो शायद इतना अच्छे से बोलना भी नहीं जानती हूँ, अभी यूट्यूब पर आई हूँ, कुछ ही टाइम हुआ है, वो तो इतने सालों से बना रही है, आप लोग इतना पसंद करते हो, पर कुछ लोग हैं ना अच्छे लोगों की छवि ख़राब करने में लगे हुए रहते हैं। तो ये आपकी गलत फहमियाँ दिमाग से निकाल दीजिए कि हमने ऐसा, हम घमंडी हैं। पर जो फैमिली वाले हैं मेरे, प्यारी सी फैमिली वाले, उन्हें पता होगा कि मैं कैसी हूँ, मैं घमंडी हूँ या नहीं हूँ। खुद के मुँह से कोई एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं। और रही प्रिया जी की, एक आता है कि वो तो बहुत सुंदर है और तुम कितनी बदसूरत हो, तो ये जो चेहरा है ना, इसे कुदरत वाला बनाता है, हम खुद से नहीं बनाते हैं। और चेहरे का क्या होता है, चेहरा तो गोरा हो, काला हो, कैसा भी हो, बनाता तो भगवान ही है। देखिए आदमी का मन जो है ना, वो साफ होना चाहिए। चेहरे पर कुछ नहीं लिखा हुआ होता है, पर लिखना है बस, कुछ ना कुछ चाहिए लिखने के लिए, ऐसा गलत सलत बोलना है, मतलब उसे नीचा दिखाना है, ये सब चीज़ें छोड़ दीजिए। हो सके तो किसी का अच्छा करने के लिए सोचिए। कुछ जिनको, जो नेगेटिव कमेंट करते हैं उन्हें बुरी लगेगी मेरी बात, मैं आज सॉरी नहीं बोलूँगी। पर देखिए आप मुझे बोलते हो चलता है, मैं सहन कर लेती हूँ, मैं सोचती हूँ कि चल जाओ, छोड़ इग्नोर कर दो। पर मेरी भाभी तक क्यों पहुँचते हो, मेरी वीडियो में आकर मेरी भाभी के लिए कमेंट करते हो? अरे कुछ तो सोचा करो, वो इतनी अच्छी हैं, लोग इतना पसंद करते हैं उन्हें, आप उनके लिए क्या बोल रहे हो? और वैसे भी मेरी भाभी है, मैं उनके लिए एक खिलाफ, उनके खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगी, ठीक है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा। तो कोरोना जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, हो सके तो अपना और अपने बच्चों का विशेषकर, और बड़े बुजुर्गों का विशेषकर ध्यान रखिए। तो वैसे तो सभी लोग रख रहे हैं, पर एक बार ज्योति ब्लॉगर की ओर से। तो चलिए फिर, तब तक के लिए बाय बाय।